तो दोस्तों यूपी बजट के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 2019-20 के वित्त वर्ष के लिए यहाँ पे यूपी का बजट पारित हो चुका है। तो दोस्तों राजेश अग्रवाल जी ने यहाँ पे ये बजट पेश किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, ये मान के चलिए। 4,79,701 करोड़ का यहाँ पे बजट पेश हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12% अधिक बजट है। प्रदेश में 36 नए थानों का निर्माण होगा। पुलिस बैरक के लिए 700 करोड़ का ये बजट है। प्रदेश में 7 नई पुलिस लाइन के लिए 400 करोड़ रुपए, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़, बंद चीनी मिलों के लिए 50 करोड़, कोऑपरेटिव चीनी मिलों के लिए 25 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 892 करोड़, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 450 करोड़, खाद भंडारण के लिए 150 करोड़, 40 मंडियों में खाद गोदाम बनेंगे। गोंडा में कृषि महाविद्यालय का निर्माण, गौशाला निर्माण के लिए 247 करोड़, शहर में कान्हा गौशाला के लिए 200 करोड़, डेयरी योजना के लिए 264 करोड़, मथुरा में नई डेयरी के लिए 56 करोड़, दुग्ध संघों के लिए 93 करोड़, मत्स्य पालन फंड के लिए 25 करोड़, पीएम आवास के लिए 6,240 करोड़, मनरेगा के लिए 3,488 करोड़, बुंदेलखंड पेयजल के लिए 3,000 करोड़, सीएम आवास के लिए ग्रामीण को 429 करोड़, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को 224 करोड़, मोस्ट इंपोर्टेंट विधायक निधि के लिए 1209 करोड़ का बजट, स्वच्छ मिशन के लिए ग्रामीण को 6,000 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल बनाएगी सरकार, कांजी हाउस बनाने के लिए 20 करोड़। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नोट करिए। 750 नए पंचायत भवन बनाए जाएंगे, युवक मंडल दल के लिए 25 करोड़, निःशुल्क बोरिंग के लिए 55 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1195 करोड़ बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाई जाएगी, 1000 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़, उद्योग स्थापना और नीति के लिए 600 करोड़, उद्योगों से रोजगार के लिए 482 करोड़, इन्वेस्टर्स समिट के लिए 180 करोड़। दोस्तों ये नोट करते जाइए सारे के सारे। ओटीपी के लिए 250 करोड़, सीएम युवा स्वरोजगार योजना शुरू होगी, पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली मिलेगी, सीएम ग्राम उद्योग रोजगार योजना शुरू होगी, माटी कला बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत के लिए 1298 करोड़ का बजट, सीएम जन आरोग्य अभियान को 111 करोड़, प्रदेश के जिलों में 100 बेड का अस्पताल बनेगा, 100 बेड अस्पताल के लिए 47 करोड़ का बजट, 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए 908 करोड़, केजीएमसी को 907, बलरामपुर जिले में केएमयू का सेंटर, पीजीआई लखनऊ के लिए 854 करोड़, लोहिया संस्थान के लिए 396 करोड़, कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 248, सेव जे पीसीआई के लिए 357 करोड़, अटल मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़, आयुष वीवी के लिए 10 करोड़ का बजट, यूपी में हवाई अड्डों के लिए 1000 करोड़, जेवर को 800 तथा अयोध्या को 200 करोड़ का बजट, सीएम सामुदायिक वानिकी योजना शुरू की जाएगी, सीएम फल उद्यान योजना शुरू की जाएगी, तथा साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों ये मान के चलिए ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये कोई भी डेटा आपको कुछ मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं। वर्षारोपण के लिए 200 करोड़, तहसील निर्माण के लिए 237, राहत आपदा के लिए 1820, सीएम किसान बीमा योजना के लिए 845, नई सड़क निर्माण के लिए 13,135 करोड़, सड़क रखरखाव के लिए 3,522, पुलों के निर्माण के लिए 2100 करोड़, संपर्क मार्गों के लिए 850 करोड़, केंद्रीय मार्ग निधि योजना 2010 करोड़, मध्य गंगा नहर के लिए 1727 करोड़, सरयू नहर के लिए 1812 करोड़, अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 953 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 1100 करोड़, कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल चलाई जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पार्ट है। कानपुर आगरा मेट्रो को 175 करोड़ मिले हैं। 5 जिलों में मेट्रो चलाने का विचार है, काशी मेरठ झांसी में मेट्रो की योजना शुरू होगी, तथा साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो गोरखपुर और प्रयागराज में भी मेट्रो की योजना होगी। तो ये 5 शहर है, दिल्ली मेरठ को 400 करोड़ कॉरिडोर को, स्मार्ट सिटी मिशन को 2000 करोड़, अमृत योजना को 200 करोड़, बुंदेलखंड विशेष योजना को 810 करोड़, समग्र शिक्षा को 18,445 करोड़, जूता मोजा स्वेटर के लिए 300 करोड़, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़, वनटांगिया गांवों में स्कूल खोलेगी सरकार, स्कूल बैग वितरण के लिए 110 करोड़, मिलिट्री स्कूल खोलने के लिए 26 करोड़, जीआईसी स्कूल खोलने के लिए 10 करोड़, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में वाईफाई सुविधाएं मिलेगी, गोरखपुर में गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना होगी। तो दोस्तों ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी सारी अपडेट के लिए दोस्तों लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।